उदाहरण 8, बहुपद ए की घात 3 ऋण 3 ए की घात 2 बी धन 3 ए बी की घात 2 ऋण बी की घात 3 को बहुपद ए ऋण बी से भाग दीजिए। हल, यहाँ भाज्य ए की घात 3 ऋण 3 ए का घात 2 बी धन 3 ए बी का घात 2 ऋण बी की घात 3 है। यह हमारा भाज्य है और भाजक जो है हमारा ए ऋण बी है। अब भाज्य को हमको भाजक ए ऋण बी से भाग देना है। ए को सबसे पहले हमें ए का घात 3 प्राप्त करना है। उसके लिए हम ए को किससे गुणा करेंगे? जब हम ए की घात 2 से इसे गुणा करेंगे तो ए गुणित ए की घात 2 बराबर ए की घात 3। उसी तरह से ऋण बी को पुनः हम ए की घात 2 से गुणा करेंगे तो हमें ऋण ए की घात 2 बी प्राप्त होगा। अब इसे घटाने के लिए हम इसके चिन्ह को बदलेंगे, धन का ऋण और ऋण का धन। ए की घात 3 को ऋण ए की घात 3 से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा और ऋण 3 ए की घात 2 बी धन ए की घात 2 बी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें ऋण 2 ए की घात 2 बी प्राप्त होगा। अब हम इसे नीचे उतारेंगे, धन 3 ए बी की घात 2 ऋण बी की घात 3। अब ए को किस संख्या से यहाँ गुणा करें कि हमें ऋण 2 ए की घात 2 बी प्राप्त हो? चूंकि यहाँ ऋण चाहिए तो हम सबसे पहले ऋण लिख लेंगे, 2 चाहिए तो हमें 2 लिख लेंगे। हमारे पास ए पहले ही है तो यहाँ पे हम ए बी को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिला? ऋण 2 ए का घात 2 बी। उसी तरह से ऋण बी को जब हम ऋण 2 ए बी से गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन 2 ए बी की घात 2 प्राप्त होगा। इसे हम घटाएंगे, घटाने के लिए ऋण का धन चिन्ह बदला और धन का ऋण घटाने के लिए। अब ऋण 2 ए की घात 2 बी धन 2 ए की घात 2 बी को जब हम घटाएंगे तो 0 मिला और यहाँ पे हमें मिला ए बी की घात 2 ऋण बी की घात 3। अब ए को हम जब धन बी से धन बी के वर्ग से गुणा करेंगे, बी के वर्ग से गुणा करेंगे तो ए गुणित धन बी का वर्ग बराबर ए बी का घात 2 और ऋण बी को जब हम धन बी के घात 2 से गुणा करेंगे तो ऋण बी का घात 3। घटाने पर सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे, ऋण का धन और धन का ऋण, तो ए बी का घात 2 ऋण ए बी का घात 2 0 हुआ और यहाँ पे भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भागफल जो है हमें प्राप्त हुआ, भागफल बराबर ए का वर्ग 2 ए का घात 2 ऋण 2 ए बी धन बी का घात 2 और शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ। ये हमारा प्रश्न का हल हुआ।